हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे, अच्छा से तैयारी भी चल रहा होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के तरफ से एक भर्ती निकल के आ रहा है। भर्ती तो बार बार निकल आ रहा है, ये 2020 के लिए नया साल का नया भर्ती निकल के आ रहा है दोस्तों। तो वीडियो को बस एंड तक देखिए, आपको सारे जानकारी दूंगा कैसे आपको इसको अप्लाई करना है और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, क्या क्वालिफिकेशन है, एज लिमिट क्या है, एप्लीकेशन फ़ी क्या है, वो सारे जानकारी दूंगा। वीडियो को एंड तक देखिए, अच्छा लगेगा वीडियो जरूर एक लाइक करके जाइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा डिटेल्स में आप लोग बात करेंगे। चलिए दोस्तों, इसका ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट में और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, उधर क्लिक करके इसको अप्लाई भी कर सकते हो या एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करके आप पढ़ भी सकते हो। उसके साथ आप हमारे वेबसाइट helpingtapan.com में जाके वो सारे डिटेल्स आप ले भी सकते हो। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हो, ये है जो इंडियन ऑयल का वैकेंसी है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, वो रिफाइनरी डिवीजन से ये वैकेंसी आया है। और दोस्तों, ये जो वैकेंसी आया है, जो वैकेंसी है दोस्तों, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट IV प्रोडक्शन में है, मैकेनिकल फिटर कम रिगर, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट IV, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट IV इंस्ट्रूमेंटेशन और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट IV, इस टाइप का आपको वैकेंसी है दोस्तों। कुल मिला के आपकी 37 वैकेंसी मिलेगा, जिसमें आपकी प्रोडक्शन में 33 वैकेंसी रखा गया है। इसके लिए क्वालिफिकेशन डिटेल्स में आप लोग को बता देता हूँ। और जो सैलरी रहने वाला है दोस्तों, ये 25,000 से शुरू करके 1,05,000 तक जाएगा। और दोस्तों, ये जो वैकेंसी है, एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए 1 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके बाद इसको अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। इसके लिए क्वालिफिकेशन डिटेल्स देख सकते हो। जो जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट IV प्रोडक्शन में है, वो 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए या BSc है तो भी इसको अप्लाई कर सकते हो। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री या इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में है तो इसको अप्लाई कर सकते हो। उसके नीचे जो जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट मैकेनिकल 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है तो इसको अप्लाई कर सकते हो। 50% एग्रीगेट होना चाहिए, नहीं तो आपके पास ITI फिटर ट्रेड में है तो भी इसको अप्लाई कर सकते हो, पर इसमें भी 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। तो एक्सपीरियंस दोस्तों देख सकते हो, टर्बाइन, बॉयलर, ये सारे जगह में आपकी एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद जो जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट IV इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, इसमें भी 3 ईयर डिप्लोमा है तो अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग में है तो इसको अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों, एज लिमिट के बात करेंगे तो 18 से 26 ईयर तक अप्लाई कर सकते हो। फिर एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हो, आज पर गवर्नमेंट रोल, आपको एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस आप दोस्तों देख सकते हो, एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करके आराम से पढ़ लीजिए। बहुत लंबा सिलेक्शन प्रोसेस है, जिसमें आपके रिटन टेस्ट लिया जाएगा, फिर आपको स्किल टेस्ट या पर्सनल इंटरव्यू बुलाया जाएगा, जिसमें 1:2 में आपकी रिटन से स्किल रेशियो लिया जाएगा। आपको मिनिमम परसेंटेज रखना पड़ेगा स्किल टेस्ट को जाने के लिए। ऑनलाइन अप्लाई करने का कल से शुरू हो चुका है, 20 दिसंबर से शुरू हो चुका है। इसका जो लास्ट डेट है 17 जनवरी तक इसको अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। उसके बाद आपको हार्ड कॉपी सेंड करना पड़ेगा। ये जो एड्रेस दिया गया है, आपकी एप्लीकेशन जो हार्ड कॉपी है उसको सेंड करना है, के बाद ही आप एप्लीकेशन सबमिट हो सकता है। इसका डेट डिटेल्स आप देख सकते हो दोस्तों। उसके बाद आपकी टेंडेटिव रिटन टेस्ट जो रखा गया है, 2 फरवरी 2020 में रखा गया है। रिजल्ट जो निकलने वाला है 7 फरवरी 2020 में। पूरा शेड्यूल यहाँ पे बता दिया गया है, अगर कोई भी डाउट हो रहा है यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है, इधर आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो दोस्तों। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट कर रहा है तो ज़रूर इसको अप्लाई करिए दोस्तों। काफ़ी अच्छा वैकेंसी है और काफ़ी बढ़िया पोस्ट है, सैलरी भी बहुत ही अच्छा रखा गया है इसमें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद।